ट्वेंटी फरवरी 2024 को एक पब्लिक नोटिस एन ने जारी किया है जिसमें एन टी एज एडेड फोर्टीन एग्जाम सिटीज फॉर द नीट यू जी जो ये एग्जाम सेंटर्स हैं ये सारे फॉरेन कंट्रीज के हैं फॉर एग्जाम्पल कुवैत यू के तीन सिटीज हैं दुबई आबूधाबी शारजा देन बैंकॉक कोलंबो, दोहा काठमांडू कोलामपुर लागोस मनामा मस्कट रियाद सिंगापुर ये सारे 14 एग्ज़ाम सेंटर्स ऐड हुए हैं पहले नीट यू जी ट्वेंटी एग्ज़ाम के लिए एनटीए ने डिसाइड किया था कि सिर्फ इंडिया में ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा बट अभी 14 फॉरेन सिटीज़ ऐड हो गई हैं अगर आपने अभी तक नीट यू जी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि करेक्ट करेक्शन विंडो ओपन होगी कब ओपन होगी करेक्शन विंडो जब रजिस्ट्रेशन की विंडो क्लोज हो जाएगी जब नीट फॉर्म के रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं और जो भी डिफरेंस अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस में आएगा आप उसको पे कर सकते हैं तो इससे क्लियरली मैंशन होता है कि इस साल भी करेक्शन विंडो नीट एग्जाम के लिए ओपन होगी अगर अभी तक आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल नहीं किया है एंड आप फ़ॉरेन सिटीज़ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी फॉरेन सिटीज़ की एग्ज़ाम की जो सिलेक्शन ऑप्शन है अवेलेबल है तो आप अभी से वो फिल करके रख सकते हैं अगर आपको एनआरआई कोटा में एम बी बी एस इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में देन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मेडिपीडिया की टीम आपको हंड्रेड परसेंट एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम आपको एन आर आई कोटा में एडमिशन्स करा सकते हैं एन आर आई कोटा के एडमिशन्स के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको पहले से ही रेडी करके रखना होता है तो अगर आप एन कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस इन एडवांस लें ताकि हम आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करके रखें और नीट एग्ज़ाम के बाद आपके काउंसलिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए